मैं मटन पलाव बना रही हूँ। देखिए, 1 किलो बासमती है, इसको भिगा ली मैं। 1 किलो मटन है, देखिए 1.5 किलो टमाटे, 1.5 किलो बोले तो आलू अथवा हरी मिर्ची को चीर ली मैं, 1.5 किलो प्याज को कट कर ली, 1.5 किलो दही है, 2 चमचे अदरक लहसुन, 2 नींबू का जूस, 1 चमचा जीरा पाउडर, 1 चमचा धनिया पाउडर, 1 कोथमीर कट्टा, 1 पुदीने का कट्टा, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। फूड कलर है देखिए, थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ मैं। 1/2 चमचा हल्दी है, 1 तेज पत्ता, 6 लौंग, थोड़ा जायफल है, 1 जावित्री का टुकड़ा है देखिए, 1 8 बोले तो हरी इलायची है, 1 सूखा नींबू है, 2 बोले तो बड़ी इलायची, 1 चमचा बड़ा चाय का चमचे से शाजीरा है, 1/2 चमचा बोले तो साबित काली मिर्ची है, 5 बोले तो दालचीनी के टुकड़े है। देखिए, आगे तक मेरा वीडियो देखिए। चूल्हे पे भगोना चढ़ाई, उसके अंदर तेल डाल रही। देखिए, तेल को अच्छा गर्म होने दी, गर्म होने दे के प्याज को बारीक कट कर ली। देखिए, बिरयानी की पेस्ट प्याज कैसा कट कर लेते सेम वैसा कट करी, देखिए बारीक बारीक को। तेल अच्छा 1.5 किलो से बढ़ के डाली देखिए मैं प्याज डूबे सर का। कई को बोले तो प्याज को अगर डूबे सर का अगर तेल नहीं डाले तो अपन प्याज कच्ची सालन की हो जाती, तले नहीं जाती, तो प्याज डूबे सर का तेल डालना। ये तेल अगर मैं थोड़ा बढ़ के रहे तो निकाल लेती हूँ, नहीं तो बराबर डाल देती हूँ पलाव के अंदर। तो मैं वही इस तेल में फिर आलू तल के निकाल ली। देखिए, आलू में थोड़ा नमक डाली, फीके फीके दिखते अपने को आलू जब अपन पलाव में वही डालते ना, तो उसके बाद मैं आलू ऐसा तली देखिए, पूरा पूरा लाल नहीं तली मैं, ऐसा सेम ऐसा तली, फिक्का तली, देखिए कलर फिक्का आया उसके अंदर। उसके अंदर ही मैं टमाटरों को गोल कट कर ली देखिए, पीसा पीसा इसको थोड़ा तल रही हूँ। देखिए, इसमें भी थोड़ा नमक डाल रही हूँ मैं, नमक डाल के इसको गलने नहीं दी टमाटरों को, चुप चुरका बोलते ना वो हिसाब से मैं नमक डाल के थोड़ा तल ले के उसको निकाल ली। उसके बाद मैं तेल को थोड़ा निकाल ली देखिए, थोड़ा तेल निकाल ले के फिर वही इस तेल में मैं पूरा खड़ा गरम मसाला तल रही हूँ। देखिए, चूल्हा कम करके तल रही हूँ, जरा लाल कर ली खड़ा गरम मसाले को। ये मिर्ची को देखिए मैं बीच में से चीर ली, चीर ले के कट कर ली, 1 मिर्ची में 4 हिस्से करी देखिए, 4 टुकड़े करी मैं। उसके बाद चीर ली अच्छा, मिर्चियों को लाल होने दी देखिए, लाल होने दे के वही मिर्चियों में अदरक लहसुन तल ली मैं। चूल्हा तेज़ करके तल रही हूँ देखिए, चूल्हे को कम नहीं करी मैं, कई को बोले तो मिर्ची पानी छोड़ देती कम करे तो। तो उसके बाद मैं हल्दी नमक डाली उसके अंदर, हल्दी नमक डाल के चूल्हा तेज़ इच करके तल रही हूँ देखिए, हल्दी नमक डाल के फिर उसके अंदर मैं ये जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाली, जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल के चूल्हा कम करी देखिए, पूरा नीचे से दाग ये लग रहा बोल के उसको पकड़ रहा बोल के। फिर गोश्त को धो के छन्नी में डाल के रख दी थी मैं गोश्त, फिर उसके बाद मैं अच्छे बड़े बड़े पीसांच डाली देखिए, इसमें पलाव में बड़े पीसांच अच्छे दिखते, तो मैं अच्छा गोश्त डाल के इसको नीचे ऊपर अच्छा मिले देखिए, मिला के थाली ढाप के इसको 10 मिनट में धीमे चूल्हे पे रख रही हूँ। देखिए, थाली ढाप के 10 मिनट धीमे चूल्हे पे रख के थाली को निकाल दी देखिए मैं 10 मिनट के बाद, पानी छोड़ दिया गोश्त, फिर मैं चूल्हे को कम कर दी थी 10 मिनट। उसके बाद चूल्हा तेज़ करी देखिए, वही पानी में मैं चूल्हा तेज़ करके अच्छा तेज़ चूल्हे पर पका रही हूँ देखिए। पकाए बाद 10 मिनट के बाद मैं उसके अंदर अच्छा गोश्त का पानी सूखे बाद दही डाली देखिए मैं, दही डाल के चूल्हा तेज़ करी, फिर अब ये दही का पानी भी सुखाती हूँ मैं तेज़ चूल्हे पे। इसमें से गोश्त आधे के ऊपर गल जाता देखिए, अपन अच्छा भूनते भूनते गल जाता और गोश्त का पानी भी छूटे जाता, फिर बोले थे दही का पानी भी छूटता देखिए अच्छा उसको। अब मैं थाली ढाप के छोड़ देती हूँ इसको, थाली ढाप के कम से कम 15 मिनट छोड़ी थी देखिए मैं, 5 मिनट धीमे पे छोड़ी, फिर 10 मिनट तेज़ चूल्हे पे पका रही हूँ देखिए इसको, 10 मिनट तेज़ चूल्हे पका के इसको सुक्का कर रही हूँ देखिए मैं। फिर थाली ढापी इसके अंदर, थाली ढाप के मैं कम चूल्हे पे रखी, इसके अंदर मैं चावल चढ़ाई देखिए, चावल चढ़ा के इसके अंदर खड़ा गरम मसाला डाली, 4 इलायची, 4 लौंग, 1/2 चमचा तेल, 1/2 नींबू का जूस डाली देखिए, थोड़ा कोथमीर पुदीना डाली, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना। तो मैं थाली ढाप के रख दी, फिर 15 मिनट के बाद मैं चावल को इधर रख के फिर इधर अखनी को देखी देखी, धीमे चूल्हे पे साइड में रखी थी मैं अखनी, तो चावल उधर दूसरे चूल्हे पे चढ़ाई मैं, फिर अखनी पूरा सूखा हो गई देखी, पूरा अच्छा मिला ली ना उसको। फिर उसके बाद ये आलू भी टमाटे डाल के अखनी के अंदर अच्छा मिला रही हूँ देखिए मैं तेज़ चूल्हे पे,
कई को बोले तो टमाटे जब जरा कच्चे पक्के रहते ना तो पलाव में बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। टमाटे में टमाटों को ज़्यादा नहीं पके देखी है, उसके बाद टमाटे आलू डाले बाद मैं प्याज को आधी प्याज को चूर दे रही हूँ। देखिए 1 किलो प्याज ली थी ना मैं, तली थी तो आधी प्याज को इसके अंदर चूरी मैं। फिर उसके बाद कोतमीर पुदीना डाली इसके अंदर, वो कोतमीर पुदीना डाल के उसको अच्छा मिलाई। देखिए तेज चूल्हे पे मिला रही हूँ अखनी को, पूरा तेल नीचे से पूरा छुड़ गया। देखिए अखनी पूरी बन गई है कम्प्लीट हो। अब मैं ये चूल्हे को बंद कर दी। देखिए अखनी तो पूरी हो गई। देखिए देखिए पूरा कैसा दिख रही है, इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त दिखा, यकीन मानिए आप लोग, उंगलियां चाट के खाए सर का दिखा। फिर मैं ये नींबू का जूस डाल दे रही हूँ। देखिए आधा डाल रही हूँ, आधा बोले तो उसके अंदर कलर डाल के ऊपर से मैं डालती हूँ। तो अब इसको अच्छा नीचे ऊपर मिलाई। देखिए मैं मिला के इसको चूल्हा बंद कर डाली, इसको अब चूल्हे के ऊपर साइड में रख देती हूँ मैं। फिर चावल को देखती हूँ, 15 मिनट हो गए। देखिए 15 मिनट के बाद चावल आ गए, तो चावल अदन आ गया तो मैं चावल डाल दे रही हूँ इसके अंदर। वो चावल को कम से कम 1 घंटा भिगा देना। देखिए बासमती चावल को तो खुला रहता चावल, अपन बिरयानी बना दे, पलाव बना दे, खिचड़ी कुछ भी बनाओ, बघारा खाना बनाओ, तो 1 घंटा भिगाए ना अपन तो खुला खुला होता देखिए पूरा। तो फिर 5 मिनट के बाद मैं देखी, देखिए थाली ढक के 5 मिनट के बाद चावल देखे तो आ गया। देखिए तो अब मैं इसको अच्छा पूरा कनी पे निथारती हूँ। देखिए चावल पूरा पकने देती हूँ। कई को बोले तो ये पलाऊ है ना, तो अपने को अखनी पूरी पकी हुई है ना, तो मैं चावल को पूरे कनी पे निथारी। देखिए चावल पूरा पकने दी उसको। फिर अब वही भगोने में मैं चावल को छन्नी चावल छन्नी में डाल के वही इस भगोने में मैं यखनी पूरी मिलाई। देखी चावल पकाते सो भगोने में जरा खुला है ना तो उसमें अच्छे होते चावल पूरे, दूसरा छोटे बहुत छोटा लिए तो भगोना टाइट हो जाता। अखनी नीचे डाली देखिए पूरी, मैं नीचे डाल के उसमें तेल वो ये कुछ भी नहीं डाली मैं, तो चावल डाली। देखिए फिर इसके अंदर अखनी नीचे डाल के चावल डाल दी पूरा, चावल डाल के पूरा बराबर कर रही हूँ। देखिए मैं चावल को पूरा, 2 किलो का भगोना है तो ये गोश्त दो, 1 किलो है चावल, 1 किलो है बासमती फुल होते ना, मैं बड़ा भगोना नहीं ली इसमें छो जाता बोल के, तो मैं 1.5 चम्मच इसमें असली घी डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा कोतमीर पुदीना डाल रही हूँ इसके अंदर, बची हुई प्याज डाल दे रही हूँ मैं इसके अंदर ऊपर से। फिर बोले तो इसके अंदर मैं टेस्ट पत्ता भी डाली थी, देखिए चावल के अदन में 1 टेस्ट पत्ता, तो मैं थोड़ा इसमें फूड कलर डाल रही हूँ देखिए पीला। फिर उसके बाद मैं थोड़ा 1 चमचा तेल डाल रही हूँ। देखिए मेरे को अखनी में थोड़ा कम दिखा तो चावल के बराबर हुई है सर का। अब मैं 20 मिनट रखती हूँ। देखिए ये तेज़, 5 मिनट तेज़ पे रखती हूँ, 15 मिनट धीमे चूल्हे पे रख के निकाल के बताती हूँ आप लोगों को। होगा देखिए 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ आप लोगों को। 1 घंटे में पूरा पलाव बन के तैयार होगा। देखिए पूरा कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर देखिए, पूरे खुले 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 चावल हैं। देखिए एक चावल को चावल नहीं लग रहा, इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त ये रेसिपी आप लोग बना के देखिए। इसको पाकिस्तानी बिरयानी भी बोलते हैं, फिर इसको बोले तो पलाव भी बोलते। देखिए इतनी मज़े की रही, आप यकीन मानिए उंगलियां चाटे सर का होगा। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।